गो इट करे सर। जी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मनोज एकेडमी में। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपी टेट का रिजल्ट आपका आ चुका है। कुछ बच्चों का यूपी टेट का रिजल्ट लटक गया है। अब आप कहेंगे कैसे लटक गया सर? उन लोगों ने गोले फिलअप गलत किए थे, लैंग्वेज नहीं भर पाए थे। लगभग 6,000 बच्चों का जो फॉर्म मतलब जो रिजल्ट है वो लटक गया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रंजना जी से। और रंजना जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? चलिए मैं सर इनसे ही पूछ रंजना लेता हूँ। चलिए, हाँ जी रंजना जी बताइए कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर आजमगढ़ से। ओके, आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं रंजना जी। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा एक मोटिवेशन थॉट से, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, चाहे मनोज एकेडमी की बात करें या आप लोग कहीं अन्य से पढ़ते हो, देखिए शिक्षा जो है आपको अच्छी तरह से लेनी चाहिए। और आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि जो दूर दूर से मनोज एकेडमी पर पढ़ते हैं और एग्जाम को क्रैक करते हैं, जिनके पास सुविधा भी नहीं है। तो रंजना जी से मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी सी। तो रंजना जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपका यूपी टेट में कितने मार्क्स आए हैं? सर मेरा 102 नंबर आया है। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके 102 नंबर यूपी टेट में आए हैं। तो सर आप ही के आपका चैनल पे? जी, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था? सेकंड नहीं सर मेरा सेकंड टाइम था। टाइम था आपका। तो पहले में आपका कितना मार्क्स आए थे? कितना? सर पहले मैं आया था 80 नंबर जी। 80। चलिए पहले, चलो कोई नहीं है, थोड़ा सा रह गए थे सर आप। अपीयरिंग में था वो, जी सर अपियरिंग में था अच्छा, अपेयरिंग में था। तो मैं जी। आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। सबसे पहला यह क्वेश्चन है मेरा कि आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है? मतलब कुछ खास रीजन है? कुछ लोग कहते हैं कि बैंक में जाना है, डॉक्टरी में जाना है या अलग। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है? सर हम मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में रहती हैं और उन्हीं का सपोर्ट है कि हमको टीचिंग में जाना है। ज्यादा ओके ओके, चलिए। तो आप घर में भी सर मेरी मम्मी की ख्वाहिश है। ओके ओके, तो आपकी मम्मी आंगनवाड़ी में हैं और वो चाहती हैं कि आप एक अच्छे टीचर बने, ठीक? जी तो आपने यूपी टेट तो पास कर लिया है और आपको इंतजार होगा सुपर टेट का। तो यस सर अगर आप टीचर बन जाती हैं, और आई होप आप टीचर बनेंगे ही, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका सुपर टेट का रहेगा, तो आप शिक्षा जी। को किस स्तर तक देखना चाहेंगी? मतलब जैसे अभी स्तर चल रहा है शिक्षा का, तो आप उसको किस स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगी? अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगी जिससे कि बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके और अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त हो? सर जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का अच्छा भविष्य बनाए, उज्जवल करें, बच्चों को नहीं, आप सपोज सिखा कर देंगे सर पढ़ाने के लिए। जी, ये तो सब कहते हैं कि हम पूरी जी जान लगा देंगे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी सर आप गैस करो, आप टीचर हैं और आपका फर्स्ट डे है स्कूल में, तो आप ऐसा कौन सा वर्क करेंगी जिससे कि बेटर सुविधा उनको मिल सके? क्या करेंगी पहले दिन जाकर स्कूल में, जो भी आपके पहले दो दिन तो हम जी? सर हम पहले दिन तो बच्चों का पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, बच्चों ओके में घुले मिलेंगे ओके, सर। फिर उसके बाद सर अगले दिन से स्टार्टिंग करेंगे पढ़ाई। सर ओके ओके, चलिए बढ़िया। आप मतलब जल्दी शिक्षिका बने। तो आपकी जो स्कूली शिक्षा थी वो कैसे रही? यानी कि आपने हाई स्कूल, इंटर और जो बीएड किया है या बीटीसी जो भी किया है, तो कैसी आपकी बीटीसी सर कैसी शिक्षा रही आपकी? स्कूली शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाई स्कूल के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर समझ में नहीं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। देखो फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब हम लोग वीडियो के सामने आते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का ऐसा महसूस होता है कि यार क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, आप ये बताइए हाई स्कूल में आपके पास क्या था, साइंस साइड थी या आर्ट साइड थी?
सर साइंस था। साइंस साइड थी आपके पास, जी ठीक है। तो आप आपने बीटीसी की है ना? जी, फिर उसके बाद सर हम इंटर किए बायो से। ओके, बायो से इंटर किया है आपने, फिर ग्रेजुएशन किए सर, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए, फिर उसके बाद बीटीसी। अच्छा, पीजी करने के बाद आपके दिमाग में आया कि हाँ बीटीसी करनी चाहिए? नहीं सर, हम एक बार फॉर्म भरे थे तो हमको कोई सलाह देने वाला नहीं था। फिर उसके बाद सर जब एमए कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद सर हम फॉर्म भरे, फिर मम्मी बहुत प्रेशर की, फिर सर ऐसे हुआ। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। देखो, आप आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं, तो आपके परिवार में कोई, आपने बताया जैसे मम्मी आपकी आंगनवाड़ी में है, और कोई है मतलब जिससे आपको गाइडलाइंस दे सके? यस सर, भाई हैं, तीन भाई हैं, तीन भाभी हैं, पिताजी नहीं है सर। ओके, कोई नहीं, चलो बढ़िया है। आप गाइडलाइंस करने के लिए भाई हैं आपके साथ, अच्छी बात है। तो अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप करोड़पति बन जाती हैं आज, ठीक है, तो आप ये बताइए कि समाज के लिए क्या करना चाहेंगी? जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? सर गरीब बच्चों को तो पहले हम कोशिश करेंगे कि बच्चे सबसे पहले स्कूल जाए। जी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सर पेन में है, और एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जी हाँ, देखिए इन्होंने कहा एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जो भी अभिभावक हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों एक रोटी कम खानी है चाहे, लेकिन बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, उनको पढ़ाई जरूर आपको करानी है। तो आपने बताया 102 नंबर आपके आए, तो आपने यूपी टेट की तैयारी कैसे की थी और कहाँ से आपने सर आपके चैनल से किए सर, सर ओनली आपके चैनल से किए हम। ठीक है, तो गाइज इन्होंने केवल मनोज एकेडमी से यूपी टेट की तैयारी की है और 102 नंबर ये लेकर आए हैं। तो मनोज एकेडमी की टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सर सर तो बधाई तो हमें देती है, हम आपका चैनल जो पढ़ के इतना नंबर लाए। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सुपर टेट भी अच्छे से क्रैक करेंगी। तो अभी आप ये बताइए आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? सर सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट रहा आपका यूपी टेट में? 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो कौन सा? साइको सर, साइकोलॉजी, बाल विकास आपका सब्जेक्ट बढ़िया रहा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी हॉबी क्या क्या है, थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सर वैसे तो हम जब जब क्लास नहीं आपका अटेंड किए थे तो वैसे बहुत 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 परिवर्तन था पहले जब आपका क्लास ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कुछ ज्यादा ही परिवर्तन आ गया सर, अच्छा, बहुत चलो ज्यादा परिवर्तन हर सब्जेक्ट में। ठीक, मतलब हॉबी क्या है आपकी, कोई हॉबी हो सर आपकी? मेरी हॉबी है बैडमिंटन खेलना सर। बैडमिंटन खेलना आपकी हॉबी है, चलिए कोई जोक सुना सकती हैं अभी अगर आपके दिमाग में चल रहा हो सॉन्ग कोई? कीजिए इतनी वीडियो चलिए परेशान मत होइए आप, चलिए अभी आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा मुझे बताइए कि आप जो नया बैच अभी ज्वाइन करने वाले हैं, जो 1-2 नंबर से रह गए हैं बच्चे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि जिससे कि वो एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सके? जो कोर्ट में गया फैसला वो जल्द से जल्द आ जाए, और जिनका 1-2 नंबर रुका उनका भी हो जाए सर। नहीं, अभी जो नया बैच आने वाला है, मान लीजिए मैं अभी अपेयरिंग में हूँ और मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए क्या कहना चाहेंगे एग्जाम के तौर पर? चलिए चलिए कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा शर्मा रही हैं वीडियो में। गाइज देखिएगा, इनका नाम है रंजना कुमारी और ये आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने जो भी यूपी टेट पास किया है केवल अपने चैनल से पढ़कर किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जहां पर सुविधा नहीं है कोचिंग की, तो वहां पर अपना चैनल पहुंच रहा है दोस्तों। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भाई आप हमारे चैनल से पढ़े और अच्छे से मार्क्स गेन किए। बाकी लोग भी दोस्तों, हाँ, घर से बैठकर ही पढ़ सकते हैं, आपको कहीं पर एक्स्ट्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों को टैग कीजिए जो साथी कोचिंग सेंटर तक नहीं जा सकते,
जो साथी फीस नहीं भर सकते, तो निशुल्क शिक्षा के लिए आज ही सब्सक्राइब करें मनोज एकेडमी को। तो रंजना जी, आपसे बात तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन आपका थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि आप थोड़े शर्मा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, रंजना जी जुड़ने के लिए शुक्रिया, और गाइज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।